आप जिस व्यक्ति को लेकर आओगे और हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा पर्चा निकालना है, और आप जो बोल दोगे कि दो निकालना है या एक, तो ये पर्चा उसी का निकलेगा। कोई भी आप दो व्यक्ति बुला कर लिया, पहले किसको बुलाना चाहेंगे, पीछे तक आराम से चल जाओ। हमारी आज्ञा तो ये है कि आप रोड से उठा के ले आओ इसी। आप जिसको लाओगे, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि हमने जो पर्चा बनाया है, हमारी क्षमता नहीं है। जो बालाजी ने कहा है कि इसी का पर्चा है, तो उससे आप हटकर नहीं निकाल सकते। अब आप पीछे से जाओ, किसी के घर में से जाओ, रोड पे से जाओ, किसी को लियाओ, बदलना हो तो बदल लेना, लेकिन दो व्यक्ति लाने हैं, आप किसी को लिया। अब हम बिफोर टाइम पर्चा बना के रख ले। अपने मन में सीताराम राम जी का जप करें, मनी मनी जितना हो सके उतना, आवाज ना मनी मनी जितने भी भक्त बने। एक डाल दिए, ये पर्चा नंबर दो। अब ये किसी को नहीं पता है कि इन पर्चों में क्या लिखा, नहीं पता। ठीक, अरे इतना सारा नहीं चाहिए, कोई बात है, जितना यूज करेंगे बाकी रख लेंगे। अब ये पर्चे हमने यहाँ रखे, अब आप उठो, अब आप किसी भी दो व्यक्ति को निर्मा, लेकिन वो आपका जानकार नहीं होना चाहिए। गलती छोड़ के, हाँ, उनका अगला नंबर है। अब सुनो, अब जानकार तो सभी है, आपका आप पर्सनल घर के नहीं होना चाहिए। हाँ, घर का नहीं होना चाहिए, इसके अलावा बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, किसी को लिया, महिला पर जो भी जाना चाहो। क्या आराम दिया जाओ, बस अभी आप बैठ जाओ, एक पर्चा इनका बनाएंगे और दूसरा तो आप लाएंगे जिनका निकले। ठीक, राम राम। क्या नाम है आप? खिया राम। खिया राम, राम। आप थोड़ा दूर हो जाओ, क्या नाम है आप? सियाराम। आपका नाम? प्रेमाराम। प्रेमाराम, हाँ, प्रेमी पेमा, पेमाला, प्रेमाराम। प्रेमाराम जी, ये दो पर्चे कुल हमने बना के रखे, बिल्कुल। अब बताइए इनके लिए कौन सा पर्चा? एक नंबर बोल। एक नंबर, बदलना तो नहीं चाहेंगे? नहीं। इनको नहीं बदलना चाहेंगे? नहीं। ठीक, एक नंबर। हाँ जी, ये दो दो नंबर का पर्चा हमने यहाँ पर। अब आप अपना प्रश्न करो। क्या नाम जी, बोलो समस्या। मेरे एक तो नौकरी नहीं लागे, घर में ऐसा है, बच्चे की नौकरी लग रही है, कभी सहलू ठीक है, और घर में एक बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, और
बच्चा तो हैंग लगी नहीं लगी कोई की एक ही होता है जिसके लिए सोच के आया उसका नाम बताओ। बच्चे के लिए सोच के आया वो हमें बहुत समस्या है, जीरो नहीं रहा मेरे तबीयत ठीक नहीं रहती और वैसे खूब समस्या बता दो आप। नहीं आप बता दो आपके मन में जो जो है। नहीं आप टोटल के आए देखो समस्या लेकर आए हैं आप बताओ। मजा मत करो देखो अगर विचार करना है जो विचार करना है और वो यहाँ हमारे एक जगह ये ठीक मत होगा सही पहले बच्चा इसको खाली दो समस्या हो चुकी हैं। अब जैसे समस्याएं आती हैं किसी को वो हो गया वो होगा कल आप तीन प्रश्न पूछ लीजिए, दो तो आपने पूछ लिए हैं अब एक और पूछ। तो घर में क्या समस्या ये बताओ, निदान पाना चाहते हैं। ठीक पढ़े लिखे हैं थोड़ा पहले लिखो। ठीक हमने ऐसा लिखा, घर पर समस्या बनी, बेटों के लिए चिंतित हैं, कृपा दुआ कृपा व दुआ दोनों काम करेगी, आशीर्वाद चिंता ना करें उपाय करें, उपाय का जो उपाय करेंगे उससे 30% आराम लगेगा और बाकी पूर्ण आराम धाम से लगेगा, आशीर्वाद है। अभी हम आपको पर्चा देंगे, जितना भी आप पढ़ा लिखा जो भी आपकी गणित साइकोलॉजी जितनी भी आपकी विषय हैं उनको इनमें लगा के देख लेंगे, कुछ भी मिले तो बता दें देख ले। बेटे को एक बार हमारे पास ले आना। नहीं ठीक है, यहाँ आपका कितना दिन होना है? अगर अगले जो अब मंगलवार आने वाला है वहाँ पर आप ले आए तो अच्छा रहे। मैं तो कल लाऊंगा। अरे मंगलवार को ले आओ ना। हाँ बरो ने कहा भाई मंगलवार को ले आएंगे। मैं तो मंगलवार नहीं पहले लाऊंगा। अरे मंगलवार को कह रहे हैं तो मंगलवार के दिन मंगलवार को ही लाना है। नहीं आवा तो छुट्टी कर दे थोड़ी। अरे घर जो तो लाओ शांति बनाए रहा। हाँ जी शांति। ये उपाय लिखा ये आपको करना है। हाँ मैं करूँ जितना भी काम हुआ मैं करूंगा। ओके धन्यवाद। ये उपाय लिखा, ओम हनुमाय ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। इसकी प्रतिदिन एक माला 21 दिन लगाता। ठीक है जितना भी आप कर सकते हो उतना करो पर 21 दिन तो करना कंटिन्यू कर ले और एक भी दिन छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ेंगे ये तो सरल है। और कोई? ये तो सरल है और कोई? बस ना बस। अब आप बच्चे को ले आना। ले आएंगे बच्चे को। ए भगवान जय हो। ठीक है ठीक है सर। अब आप एक व्यक्ति को और अब बच्चे को लाओ, बूढ़े को लाओ, जवान को लाओ, महिला को लाओ, घर को छोड़ दो। वैसे तो आपका ये परिवार ही है पूरा। अरे ऐसे तो परिवार ही है पर आपके जो घर में रह रहे हैं हाँ हाँ उनको छोड़ दो। घर को यहाँ हो सकते हैं अपने काजियों में चले नहीं नहीं वो बात तो सही आपकी। भाई को परिवार को छोड़ दिया था किसी को बोलना तो पड़ेगा। वो तो कह रही है कि मुझे बुला लो। हाँ कौन बच्ची? बच्ची का हुक्म होगा तो बुला लेंगे आप। उसके कहने से नहीं होता। नहीं मेरे कहने से होगा नहीं। हाँ अब आप एक व्यक्ति को लिया चलो आ जाओ जल्दी। महिला को किसी किसी को ले आपके घर में छोड़ के मेरे घर कर के मेरे परिवार जैसे मैं छह भाई हम आपके घर में बच्चे बूढ़े जवान महिला उनको छोड़ ठीक है और जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको लिया। अरे भाई बाला
बाला कौन है भैया, बाला आ जाओ। छोटी सिस्टर है, छोटी सिस्टर मगर मेरे साथ तो नहीं रहती है। नहीं 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 नहीं, होनी चलेगी। आपके कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक सेकंड यू बताओ। चलो बाबूलाल जी, अरे मेरी सुनो। हाँ सुन लिया सर, सुन लिया। ये गोत्री अलग है। ठीक है आप आज इस गोल पर हम एक बात कहना चाहेंगे। हाँ जी, कि आप कुछ क्षण के लिए इनके घर चल जाओ तो आप इनके घर के थोड़ी रहोगे? नहीं रहेंगे। आप अपने घर के तो हो? बिल्कुल। तो वो आपकी छोटी सिस्टर नहीं है, उसको विवाही तो हुआ है। माना कि वो उनके माता पिता इनके माता पिता हो गए, लेकिन घर का भी बिछड़ता नहीं बिछड़ता, खून का रिश्ता तो वही है। क्या नाम है तुम्हारा? बाबूलाल। कहाँ से हो? ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है आपका? घर में परेशानी है। ठीक है, बरगद नहीं हो, उन्नति। हाँ बहुत परेशानी, घर में बहुत परेशानी है। ठीक है, बस टोटल तीन प्रश्न लेकर आए, तीनों ही प्रश्न घर संबंधी हैं, है ना? तीनों ही प्रश्न घर संबंधी हैं। घर में उलझन रहती वह उन्नति नहीं होती है। कृपा व दुआ दोनों काम करेंगी, चिंता ना करें। आशीर्वाद आशीर्वाद, परेशान ना हो, घर की उन्नति होगी। उपाय लिखेंगे, उपाय करो, सब समस्याओं का हल होगा। आशीर्वाद है। बोले परासर धाम की। अब बताओ, मेरे दोनों पर्चे हो गए। अब आप बताओ मैं क्या बताऊं? आपने जो हुक्म किया मैंने बता दिया। पर्चा लिखा वो सही? हाँ सही है। जो हमने बोला, जो आपने बोला वो सही? सही। हमने लिखा, आपने बोला वो सही? सही है। क्या पढ़े? ठीक है, बहुत अच्छा। ये उपाय लिखा, मनी मन में बोलना है अभी। वहाँ पे तो आप चाहे कितना जोर से बोलो, पर यहाँ अभी क्योंकि इनको सुना तो आपको समझ में आया कि नहीं आया जो उपाय दे। हाँ नहीं है तो पूछ लो। ये पर्चा सही? एक प्रश्न हम और लिखेंगे इसमें, क्योंकि वो आपने अभी मन में ही दबा रखा है। लिख दो और फिर इससे पूछ लो, इनसे पूछ लो क्या बोलते हैं। नौ लिखा, आपका दिल यहाँ पर कुकुर कुकुर कर रहा था। हाँ या ना? और किस लिए कर रहा था? हमारे जवाई के लिए, उनका बहुत। अब याद आ लिख दिया। अब ये आप उपाय करो, जमाई का बाद में देखेंगे, आप उसको हमारे पास ले आना। ये जो उपाय हम लिख दिया है अभी, इसको करो। और नियम लिख देते हैं, ठीक है? ये एक माला रोज।
पूछ, क्या पूछना? बच्ची की नौकरी लगे कब तक लगेगी? ठीक है, अभी आपकी बच्ची यहाँ पर है तो ये प्रश्न आपको नहीं पूछना। नहीं पूछना चाहिए क्योंकि उनकी ये समस्या है। मैं सोचा अच्छा एक नंबर ना लगे पूछ ले, उनको मत बुलाना, तुमको फोन पर पूछ लेते, एक बार उपाय वो कर लेगी ना, उपाय बता दो, कोई बात नहीं वो कर लेगी या मैं कर लूं। नहीं नहीं, ये प्रश्न हम उनको ही बता, तो वो आप पीछे। ठीक है, और कोई प्रश्न लेकर आए? घर में बेफालतू झगड़ा रहता है। ठीक, एक जमीन का है, रस्ते के लिए दवा लगा रखा है, उसमें रास्ता क्लियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, किसमें लगा रखा है वैसे आपने? मेन सड़क से अपने खेत में जाने के लिए। ठीक है, और कोई प्रश्न लेकर आए? बस यही। पढ़े लिखे हैं? अच्छी तरह। भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, भगवान की कृपा। देखिए, इनने बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है, आप सब आपकी मेहरबानी। और इनका पर्चा सही निकले तो तालियों की कंजूसी नहीं होना चाहिए। अभी अभी नहीं, इनका पर्चा बन जाए हम आपको पहुंचा देंगे हाँ या ना। अगर ये हाँ करें तो ताली बजा दें, और ताली में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, ठीक है, वे उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, करते हैं, करते हैं। रस्ते का केस चल रहा है, उसमें सफल होंगे, जो सफल होने के चांस है, पूरी हम नहीं कह रहे हैं, सफल होने के चांस हम आपको बता देंगे, इतने परसेंट चांस तक सफल हो जाएंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद।